Welcome to Maths Hub, my dear students. So in this video we will learn about indeterminate form. उसमें भी जो हम टॉपिक जिस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ ले रहे हैं वो है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन एंड हेंस इवैल्यूएट द लिमिट. सी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन्स में मेनली वी हैव थ्री टाइप्स. मतलब व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वन अननोन ओनली, व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन टू अननोन्स, व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन थ्री अननोन्स, राइट. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन from one unknown, then we'll take the question of two unknowns to determine and then three unknowns. So let's start the question. What they have given? They have given limit x tends to 0 sin 2x plus p sin x, x divided by x cube is finite. उन्होंने दिया है कि ये जो function है उसकी value एक finite number है and hence find the value of p and evaluate the limit. राइट अब यहाँ उन्होंने बोला है कि जो है इसकी वैल्यू फाइनाइट है. हम करना क्या है, वर्किंग रूल क्या है, तो मैं वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं. तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम इसका ट्रू वैल्यू फाइंड करते हैं. राइट, ट्रू वैल्यू मतलब जैसा फंक्शन है उसमें एज इट इज एक्स का लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं और चेक करते हैं वेदर यू गेट इनडिटरमिनेंट फॉर्म और अ वैल्यू. राइट, जब मैंने यहाँ पर एक्स टेंड्स टू जीरो सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिलता है साइन जीरो जीरो, पी साइन एक्स जीरो एंड यहां पर भी जीरो. तो यहां मुझे जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जीरो बाय जीरो. अब देखो जब भी जीरो बाय जीरो इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिलता है तो हम क्या करते हैं, वी अप्लाई एल हॉस्पिटल. तो अब हम इस पे एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे. ऑन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल सेज व्हाट, डिफरेंशिएट इन न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएट इन डिनोमिनेटर. तो जब यहां हमने डिफरेंशिएट किया मुझे क्या मिलता है, साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2. राइट, यहां पर मुझे मिलेगा दिस इज p cos x एंड हियर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब इज 3x रेस टू 2. अगेन पुट द लिमिट, cos 0 होता है 1 तो मुझे यहां से क्या मिलता है, cos 2x भी होगा 1 तो मुझे यहां से मिला 2. यहां cos 0 इज 1 दैट इज p और यहां से मिलता है 0. सी समथिंग बाय 0 दैट इज हमें पता है कि एनी नंबर बाय 0 द वैल्यू इज इनफिनिट. ओके, तो अब यहां पे जो मुझे इसका रिजल्ट मिल रहा है ये मिल रहा है इनफिनिट. बट द क्वेश्चन सेज कि इस वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, एक फाइनाइट नंबर है. तो इन्फिनिटी इसका आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज फाइनाइट. तो हम क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कैन नॉट बी इनफाइनाइट. अब जब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती है तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट. तो अब यहां पर हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं. तो यहाँ पे अगर वैल्यू इन्फिनाइट नहीं हो सकती तो क्या और हो सकता है, अगर मुझे न्यूमरेटर फिर से जीरो मिल जाए तो दिस फंक्शन विल बी अगेन अ इनडिटरमिनेंट फॉर्म. राइट, एक बार फिर से समझो, यहां उन्होंने दिया है कि इसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए. जब हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे यहां मिलता है फ्रॉम न्यूमरेटर अ नॉन जीरो दैट इज 2 प्लस पी और डिनोमिनेटर से मिलता है 0. तो मुझे यहां मिल रहा है इसकी वैल्यू, अगर हम इवेल्यूएट करें तो वो मिलता है इन्फिनिटी. लेकिन इन्फिनिटी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है क्योंकि उन्होंने दिया कि इसकी वैल्यू फाइनाइट है. तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में सिर्फ यही हो सकता है कि दिस वैल्यू, दिस फंक्शन हैज अगेन अ इनडिटरमिनेंट फॉर्म. और वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म कब होगा, व्हेन दिस न्यूमरेटर विल बी 0. तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, व्हाट वी कंक्लूड कि वैल्यू ऑफ given function cannot be infinity, therefore numerator must be 0. Right? So from here you get the value of p is minus 2. This way you need to determine the value of unknown. एक ही conclusion से ये value draw किया है, वो conclusion क्या है, the value of this function cannot be infinite. ओके, तो इन्फिनाइट नहीं है तो क्या होगा, दिस न्यूमरेटर मस्ट बी 0. ये न्यूमरेटर मस्ट बी 0 होगा, मतलब p प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, तो यहां से मुझे p की वैल्यू मिली वो कितनी है, माइनस
2. तो जब ये p की वैल्यू माइनस 2 हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके 2 cos 2x एंड इन प्लेस ऑफ p आई एम पुटिंग हियर माइनस 2 cos 6 बाय 3x स्क्वायर, राइट. नाउ वी पुट द लिमिट, तो मुझे क्या मिलता है फ्रॉम हियर 2 माइनस 2 दैट इज 0 और ये भी क्या मिल रहा है 0. यू विल गेट अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ओके अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिला तो हम फिर से क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल, यहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो मुझे यहां पर क्या मिलता है माइनस 2 साइन 2x और फिर से साइन 2x के 2x का कितना 2, यहां से प्लस 2 साइन x क्योंकि cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है विद द माइनस साइन साइन x एंड फ्रॉम हियर दिस इज 6x. अगेन यू पुट द लिमिट साइन 0 0 दोनों जगह साइन है, न्यूमरेटर से मुझे 0 मिलेगा, डिनोमिनेटर में 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, अगेन यू गेट अ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0 बाय 0. तो हम फिर से क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल, जितनी बार तुम्हें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलता है उतनी बार उतना टाइम्स यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल. ओके अब जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो यहां पर मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी, सिंपली यू नीड टू डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर एंड यू नीड टू डिफ्रेंशिएट डिनोमिनेटर. तो माइनस 2 एंड 2 दैट इज माइनस 4 रिमेंस एज इट इज, साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन कॉस 2x एंड 2x का डिफ्रेंसिएशन फिर से कितना होगा 2, राइट. फॉर द सेकेंड टर्म दिस इज प्लस 2 cos x एंड इन डिनोमिनेटर यू विल गेट डिफ्रेंसिएशन ऑफ 6x इज 6. अगेन पुट द लिमिट, जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं दिस विल बी माइनस का 8 क्योंकि cos 0 होता है 1 और ये प्लस का 2 एंड फ्रॉम हियर यू गेट 6. सो दिस कम्स टू बी माइनस 6 बाय 6 दैट इज माइनस 1. सो द वैल्यू ऑफ दिस गिवन फंक्शन इज माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ p इज माइनस 2. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. I hope you understand this question. Okay, this is the second question where we have to find the value of a and b and what they have given. They have given limit x tends to 0 sine by x cube plus a by x square plus b equals to 0. Yahan par is question mein they are not going to ask hence evaluate the limit. They are asking only you need to find the value of unknowns that is a and b, right. So, dekho jahan par unknown ki value nikalne ke liye diya hai, they have given already the value of this function is 0. So, agar is value, is function ki value 0 hai, to is function ki value infinite nahi ho sakti hai. Wahi se hamara wo conclusion start hoga, how to determine the value of unknowns, right. तो क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिमिट रखना है, लेकिन लिमिट रखने के से भी पहले जो हमें यहाँ पर काम करना है वो ये है, देयर मस्ट बी अ फंक्शन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सी यही क्वेश्चन दे मे आस्क दिस वे ऑल्सो, एक्स रेस टू माइनस 3 साइन एक्स प्लस ए एक्स रेस टू माइनस 2 प्लस बी इक्वल्स टू 0. तो आइदर दे आस्क दिस और दिस द थिंग विल बी सेम. लेकिन बिफोर यू स्टार्ट द क्वेश्चन यू मस्ट नो यू हैव टू राइट री राइट द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एज अ वन फंक्शन अपॉन में डिनोमिनेटर एज अ वन फंक्शन, अदरवाइज द क्वेश्चन विल नॉट बी सॉल्व. क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम वैसे नहीं लिखेंगे तो मुझे यहां पर यहां से इन्फाइनाइट मिलेगा, यहां से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, यहां से मुझे 0/0 मिलेगा. तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होता है. यू शुड राइट दिस फंक्शन एज अ वन फंक्शन इन न्यूमरेटर एंड वन फंक्शन इन डिनोमिनेटर. दिस इज द की पॉइंट जहां तुम क्वेश्चन में मिस्टेक कर सकते हो. तो हम सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, वन फंक्शन इन न्यूमरेटर एंड वन फंक्शन इन डिनोमिनेटर. फॉर दैट यू नीड टू टेक एलसीएम. मुझे एलसीएम कितना मिलेगा, एक्स रेस टू 3, हियर यू गेट साइन एक्स, फ्रॉम हियर ए एक्स एंड दिस इज बी एक्स क्यूब, राइट.
अब ये मुझे मिल गया फंक्शन, हम यहाँ क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, एनएचएस, राइट। अब मुझे ये फंक्शन मिल गया, नाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन हम क्या करते हैं, सिंपली वी पुट द लिमिट, साइन जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो, डिनोमिनेटर में भी क्या है, जीरो। तो मुझे इस फंक्शन का ट्रू वैल्यू क्या मिलता है, जीरो बाय जीरो। अगर हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म जीरो बाय जीरो मिलता है या इनफिनिट बाय इनफिनिट मिलता है, उस केस में हम क्या अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। यहां पर भी हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, सिंपली डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर, सिंपली डिफ्रेंशिएट डिनोमिनेटर। यहाँ डिफ्रेंशिएट किया तो साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, ए एक्स का होगा ए, इसका होगा थ्री बी एक्स रेस टू टू, राइट। एंड हियर यू गेटिंग थ्री एक्स रेस टू टू, गेट इट। अगेन पुट द लिमिट। अब देखो जब लिमिट पुट किया तो कॉस जीरो होता है वन, ये कॉन्स्टेंट है एज इट इज, ये हो जाएगा जीरो, ये भी होगा जीरो, गेट इट। अब देखो समथिंग बाय जीरो, समथिंग बाय जीरो द वैल्यू गिव्स इंफिनिटी, बट दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज जीरो, सो इट कैन नॉट बी इंफिनिटी, राइट। अब अगर ये इनफिनिट नहीं हो सकती है तो क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल वेज, तो ये फिर से एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू इनफिनिट नहीं हो सकती है। और ये जीरो बाय जीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कब होगा, व्हेन द न्यूमरेटर, द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज जीरो। तो ये न्यूमरेटर जीरो हो उसके लिए वन प्लस ए इक्वल्स टू कितना होगा, जीरो। तो मुझे यहां से ए की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस वन। यहां ये जो पॉइंट है ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, तभी हम अननोन की वैल्यू निकाल पाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस फंक्शन की वैल्यू फिक्स दी है जीरो। तो इस फंक्शन की मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती है कि ठीक है भाई यहां पर इसकी वैल्यू जीरो है, नेक्स्ट स्टेप में इसके इन्फिनिटी है, उसके नेक्स्ट में वन है टू है, नो। इफ दे हैव गिवन द वैल्यू इज जीरो, दिस इज जीरो ओनली। तो जब हम यहां सॉल्व करें तो यहां हमें फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, पर वो क्या मिल रही है, इन्फिनिट मिल रही है। एंड व्हाट से इसकी फंक्शन की वैल्यू अगर जीरो है तो वो इन्फिनिट नहीं हो सकती, अगर इन्फिनिट नहीं हो सकती है तो फिर इट विल बी अगेन अ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा तो वो कब होगा, जब न्यूमरेटर का पार्ट जीरो होगा, न्यूमरेटर नॉन जीरो नहीं रहेगा तब भी मुझे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलेगा। तो न्यूमरेटर जीरो कब होगा, जब ए प्लस वन क्या होगा, जीरो, और वहां से मुझे ए की वैल्यू मिली माइनस वन, राइट। तो अब ये ए की वैल्यू माइनस वन में कहां रख दूंगी, इस फंक्शन में। तो मुझे यहां क्या मिला, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, दिस इज कॉस एक्स माइनस वन प्लस थ्री बी एक्स रेस टू टू अपॉन में थ्री एक्स रेस टू टू, राइट। अब देखो यहां पे तुमको ध्यान रखना है, जब हम टू वेरिएबल्स की, टू अननोन्स की वैल्यूज निकालते हैं तो हमें जैसे जैसे जिस स्टेप पे अननोन की वैल्यू मिल रही है हमको उसे सब्स्टिट्यूट करना है। अगर हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जीरो बाय जीरो नहीं मिलेगा, और अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिला तो हम आगे जाकर उस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द फिक्स रूल। When you get 0 by 0 or infinity by infinity indeterminate form, then only you can apply L-Hospital rule. ठीक, अभी मैंने a का value substitute करा, फिर से check करते हैं यहाँ पर. Cos 0 is 1, 1 minus 1 is 0, ये भी होगा 0. तो now you getting indeterminate form 0 by 0. Once you get 0 by 0, फिर से हम क्या apply करेंगे? L-Hospital rule. तो हमने फिर से यहाँ पर L-Hospital rule apply किया. कॉस एक्स का डिफरेंसिएशन होगा माइनस का साइन एक्स, वन का जीरो, एंड दिस विल बी सिक्स बी एक्स। डिनोमिनेटर में द डिफरेंसिएशन ऑफ दिस विल बी सिक्स मल्टीप्लाई एक्स। अगेन पुट द लिमिट, लिमिट रखा तो साइन जीरो जीरो, यहां पर भी एक्स है इसलिए क्या मिलेगा, जीरो। तो मुझे फिर से क्या मिल रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जीरो बाय जीरो। एक बार जीरो बाय जीरो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म मिला, सो अगेन वी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एंड यू गेट माइनस कॉस एक्स, और इसका होगा सिक्स बी एंड दिस विल बी सिक्स, राइट। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो मुझे मिला माइनस वन प्लस सिक्स बी बाय सिक्स, राइट। अब देखो
By using L'Hospital rule, the value of this function you getting is this, which is minus 1 plus 6b by 6. But what they have given, the value of this function must be 0. तो ये जो वैल्यू हमने इवेल्यूएट करी है और जो वैल्यू उन्होंने दी है वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, राइट? सो दिस विल बी द, दिस विल इक्वल्स टू 0. ये 0 के इक्वल है तो यहां हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यू गेट 1 प्लस 6b इक्वल्स टू 0, 6b इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 1 बाय 6. सो दिस इज द सेकेंड वैल्यू of unknown you determined. One is a equals to minus 1 and second is b equals to 1 by 6. I hope you understand how to solve this question. जो ध्यान रखना है, जो key points है वो क्या है, जो value given है उसके अलावा उस function की और कोई value नहीं हो सकती है, right? और जैसे जैसे जिस जिस layer पे मुझे unknown की values मिल रही है वो मुझे substitute करनी है, अदरवाइज मुझे 0 by 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिलेगा. और अगर वो फॉर्म नहीं मिलता है तो क्वेश्चन पे हम L'Hospital रूल अप्लाई नहीं कर सकते. ओके.